आज का टॉपिक रहेगा क्वांटम फिजिक्स। हम जानेंगे कि क्वांटम फिजिक्स कहाँ से आया, किस लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत पड़ी और क्वांटम फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे आगे के लेक्चर्स में आप लोगों को समझाने के लिए कि क्वांटम फिजिक्स हम किस लिए पढ़ रहे हैं और कितना डीप है, कितना डेप्थ है इस टॉपिक में। ओके, सो द टॉपिक इज क्वांटम फिजिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फिजिक्स और है, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिक फिजिक्स मतलब जो न्यूटन्स के थ्रू, न्यूटन्स के टाइम पे, गैलीलियो गैलीली के टाइम पे, सर आइजैक न्यूटन्स ने जो लॉज दिए थे वो उन पार्टिकल्स पर थे जो बड़े स्केल पर होते थे, ठीक है, जैसे अर्थ, मून, ठीक है, हैवी पार्टिकल्स लाइक चेयर, टेबल, दिस पेन, ठीक है, बट वो कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे जो हमें नेचर में इफेक्ट्स दिखते थे, लाइकली जैसे लाइट क्या है, ठीक है, एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जनरेट करती है या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों एब्जॉर्ब करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम एमिशन, ये सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर पाता, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इतने बड़े बड़े सवाल थे पिछले टाइम में जब तक क्वांटम फिजिक्स नहीं थी, कि साइंटिस्ट ने अपना पूरा जोर लगाया था, जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने पूरा जोर लगाया था इन सवालों का जवाब देने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज अगर किसी फोटो सेंसिटिव मेटल पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर रेडिएशन डालता हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम या फिर किसी और लाइक हीलियम या फिर किसी और मैटर के स्पेक्ट्रम लाइन कैसे जनरेट करता है, कैसे स्पेक्ट्रम एमिशन करता है, ठीक है, सेम विद दिस एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनकी वजह से क्वांटम फिजिक्स की जरूरत हमें पड़ी, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब तक रही जब तक मैक्स प्लैंक ने अपना एक स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने ये बताया कोई भी मैटर चाहे छोटा है या बड़ा है अगर किसी लाइट को या फिर किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एनर्जी स्मॉल पॉकेट्स में होगी, विच इज नोन एज क्वांटा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास अगर एक शीट है मैटर की, लेट इट बी आयरन शीट, इस पर अगर कोई लाइट पड़ रहा है, ठीक है, तो ये लाइट जो है या फिर एनर्जी जो है, ठीक है, रेडिएट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है या फिर एमिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो एनर्जी इधर से रिलीज होगी वो छोटे छोटे पैकेट्स में होगी, डिस्क्रीट पैकेट्स मतलब अलग अलग पैकेट्स में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए मैंने पानी भरा है बहुत सारी थैलियों में, ठीक है, अब मैं गार्डन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, एक एक थैली फेंकना शुरू करा, ठीक है, पानी को सपोज कीजिए एनर्जी है, थैली को सपोज कीजिए वो पैकेट्स हैं जिनमें एनर्जी स्टोर्ड है, और जिधर पानी गिर रहा है, जिधर थैली गिर रही है, उसे सपोज कीजिए कोई मैटर है जो उस पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर इसके बाद से ये तो था बेसिक वे जब स्टार्टिंग हुई,
इसके बाद क्वांटम फिजिक्स को आगे दो अलग अलग नजरियों में देखा गया. फर्स्ट इज वेव मैकेनिक्स. सेकेंड इज पार्टिकल मैकेनिक्स. अब क्वेश्चन ये आता है वेव मैकेनिक्स क्या था, पार्टिकल मैकेनिक्स क्या था. ठीक है, वेव मैकेनिक्स में था कि अगर कोई एनर्जी की फॉर्म है दैट इज हीट है या फिर लाइट है, उन सबका स्टडीज इसमें आता था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, करंट जनरेशन, ये पार्टिकल मैकेनिक्स में आने लग गया. ठीक है, अब क्या हुआ बेसिकली, मैक्स प्लैंक ने एक इक्वल्स टू एच ने ये फॉर्मूला दिया. ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे से फिर से जुड़ गई और इन्होंने बताया हमें विद द हेल्प ऑफ मैक्स प्लैंक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बताया हमें कि पार्टिकल के दो नेचर होते हैं, किसी भी मैटर के दो नेचर होते हैं. वेव नेचर एंड द सेकेंड वन इज पार्टिकल नेचर. दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में हम वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों पर डीप स्टडी करेंगे. ठीक है, ताकि हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझ पाएं. जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज होंगे उन्हें हम कमेंट बॉक्स से रीड करके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम से मैक्सिमम इन वीडियोस को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद.